डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फादर जोमिस और आज मेरे लिए बड़े खुशी की बात है क्योंकि काफ़ी दिनों से या काफ़ी सालों से एक सपना था कि एक ड्रोन लेने का हमारे नागपुर डायसिस में। एज ए मीडिया इंचार्ज हूँ तो सोचे कि एक ड्रोन की ज़रूरत है, तो इसलिए काफ़ी जगह पे मैंने सर्च किया और इंडिया में काफ़ी महंगा है, तो इसलिए सोचा कि किसी से कोऑर्डिनेट करके, किसी से बात करके बाहर से मंगाया जाए। तो फाइनली ड्रोन आ चुका है और ड्रोन इज़ ऑन द वे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन ला रहे हैं एंड आई विल इंट्रोड्यूस दैट ऑल्सो। सो हियर इट कम्स, द ड्रोन रायना फ्रॉम सेंट मार्टिन चर्च एंड शी इज़ वर्किंग इन दुबई एंड शी ब्रॉट फॉर मी द ड्रोन। फाइनली इट इज़ हियर एंड लेट अस आस्क हर ओनली हाउ शी मैनेज टू ब्रिंग एंड कैसे कस्टम ड्यूटी से बच के उन्होंने लेके आया यहाँ पे। तो चलो उन्हीं से मैं पूछता हूँ पहले। सो हियर माई फ्रेंड रायना इज़ हियर एंड फाइनली शी ब्रॉट द ड्रोन। दिखा सकते हैं थोड़ा सा ओपन करके। यस एंड दिस इज द लेटेस्ट ड्रोन, दैट इज DJI मिनी 4 प्रो, जो अभी सेप्टेम्बर के महीने में रिलीज हुआ है और फाइनली ये हमारे पास इंडिया में आ चुका है और हमारे पास ड्रोन आ चुका है। तो मैं पहले रायना से पूछता हूँ कि कैसे इन्होंने मैनेज किया, कहाँ से ख़रीदे दुबई में एंड अप्रोक्सीमेटली क्या रेट हुआ एंड देन कैसे कस्टम वालों से बच के यहाँ तक नागपुर में लेके आए। तो अभी रायना बताएंगे हमको। रायना टेल एवरीवन। So father contacted me I guess 2 weeks ago and he requested to check one shop in Dubai, which is in we can say in heart of Dubai, and I visited that shop and I got to know the drone price should be around 4000 AED, that is like approximately 80 or 90,000 INR, and then I confirmed everything and we have done a lot of work to get this here. Correct. And today morning in the Nagpur airport, when I was there in the customs, it has been a really wonderful experience because I have never carried such costly products with me and it was in my bag, which has 3 batteries in fact, and father specially we mentioned that he wants like 3 batteries with 45 minutes into 3 capacity, and I carried it in my laptop bag. The drone was in the luggage bag, and the moment the custom people saw me, they wanted me to put the big bag also because I was taking that bag away and but still by God's grace I went through, and because I had 2 laptops already, so they were more focusing on my laptops rather than focusing on the main stuff and we have been saved. God has actually guided me how to speak to them and it was really wonderful, and finally now I'm here with father to hand this over to him. So I am also very happy that finally एक्चुअली ये ड्रोन जो है जस्ट अभी लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है, तो अभी इंडिया में एक चीज़ आया नहीं है एंड इंडियन प्राइस इफ़ यू सी इट इज़ ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपीज़ एंड जो दुबई में जो इसका प्राइस है 90-95 में अपने को वहाँ मिल रहा है। तो बट लेकिन यहाँ तक लाने का रिस्क कोई उठाने को रेडी नहीं था, बट फाइनली रायना टुक दैट इनिशिएटिव दैट रिस्क एंड ये ड्रोन अभी हमारे पास आ गया है। तो थैंक यू सो मच रायना फॉर ब्रिंगिंग योर ड्रोन ऑल द वे फ्रॉम दुबई। यस, एक्चुअली इसको लाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है, इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो रजिस्ट्रेशन मैंने अपने नाम से the bill and everything, it was too much. Correct, and he has done a great job getting this here. Almost 1.5 hours it took for me to register this drone. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें पूछा जाता है, मैं बताऊंगा वो सब चीज़ बाद में वीडियो में और बाद में इसको मैं अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा। तो अभी फाइनली ड्रोन आ गया है, सो थैंक यू सो मच रायना फॉर ब्रिंगिंग दिस ड्रोन। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फादर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मेरे पास आ गया है DJI मिनी 4 प्रो। ये जो ड्रोन है ये अभी नया निकला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दुबई से थोड़ा देर पहले ये ड्रोन आया था और ये जो चीज़ें लॉन्च हुआ था सितंबर महीने में लॉन्च हुआ है, एंड ऑफ द सितंबर, और अक्टूबर महीने में आखिरी में ये ड्रोन मेरे पास आ चुका है। लेकिन ये ड्रोन को लाने के लिए काफ़ी सारे दिक्कतें झेलना पड़ा, ऐसा इतना ईजी नहीं है वो चीज़ लाना भी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में पहले भी बता दिया कि किस तरह से रायना ने वहाँ पर फेस किया है कस्टम वालों से भी, लेकिन सेफ़ प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई जब लाते टाइम कस्टम वाले ने उतना चेक भी नहीं किया। बट मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो ड्रोन है इसके अंदर में क्या क्या है। एक्चुअली ये पूरा थोड़ा
अलग अलग करके लेके आना पड़ता है जब भी, अगर आप फ्लाइट में जब आप लाते हैं इसे, तो इसे बैटरी और इसका जो कंट्रोलर है, आरसी रिमोट जिसे कहा जाता है, उसे हमें अलग कैरी बैग में लेके जाना पड़ता है अलग से, और लैपटॉप बैग में भी डाल सकते हो उस चीज़ को, और जो ड्रोन रहता है उसको अपने लगेज बैग में डाल के फ्लाइट में आ सकते हैं। काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च किया था, इतना इजी नहीं है, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद आखिरी में जाके इसका एक सोल्यूशन मिला कि कैसे इस चीज़ को पहुंचना है। और एक और चीज़ ये है कि इसको लाने से पहले बेटर रहेगा कि अगर इसको रजिस्ट्रेशन करा ले, तो इसका एक ऑनलाइन साइट रहता है, ये डिजिटल स्काई करके एक साइट है, वेबसाइट, उसमें आप अकाउंट बना के आपका ड्रोन का जितने भी डिटेल्स है उसमें पूछता है। तो करीबन मुझे ये चीज़ करने के लिए मुझे 1 घंटा के ऊपर लग गया, ये जिसका पूरा एप्लीकेशन भरने के लिए, तब जाके अपने नाम से ये ड्रोन रजिस्टर हो जाता है। और जैसे कि ये ड्रोन जो है ये 249 ग्राम के अंदर आता है, ये 249 ग्राम, तो इसलिए उतना, मतलब ये प्रोफेशनल नहीं बट लेकिन ये नैनो कैटेगरी में आता है, तो उसके कारण उतना प्रॉब्लम तो होता नहीं है, बट लेकिन फिर भी कस्टम वाले हैं, कभी भी पकड़ सकते हैं। तो मैं पहले आपको ड्रोन से दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या आया है। ये बॉक्स है, ये बॉक्स को मैं साइड में रख लेता हूँ, और जैसे कि अभी ये एक सुपर बहुत ही प्यारा बैग है साथ में जो इसके आता है, और लेट्स सी इसको ओपन करके थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ इसके अंदर में क्या क्या है। तो ये है इसका आरसी रिमोट, देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका आरसी रिमोट है यहाँ पे, एंड देन इसके अंदर और है, यस, जैसे कि मैंने जो ख़रीदा है DJI Mini 4 Pro, इसका जो कॉम्बो पैक है फ्लाइंग मोर किट प्लस, जहाँ पे आपको 3 बैटरीज मिलते हैं यहाँ पे, ऐसे बैटरी के जो, मतलब ऐसे बैटरीज रहते हैं, तो ये एक बैटरी 45 मिनट्स तक का इसका लिमिट है, तो ऐसे 3 बैटरी है, एक ऑलरेडी DJI ड्रोन के साथ लगा हुआ है, तो ऐसे 3 बैटरीज हैं इसके अंदर में। और फाइनली दिस इज़ आवर ड्रोन, बैग को मैं नीचे रख देता हूँ, फाइनली दिस इज़ द ड्रोन, ये देख सकते हैं, ये है हमारा DJI Mini 4 Pro, एंड लेट्स ओपन, काफ़ी डेलिकेट है तो इसको थोड़ा आराम से ओपन करना पड़ता है, एंड देन इसका जो है ओपनिंग पार्ट, ये एक, ये दो, एंड देन ये हो गया इसका 3, एंड देन दिस इज द 4। तो ये है अपना ड्रोन, एंड देन इसको यहाँ से एक ऐप को पहले ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, यस, तो इसका ये भी ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द ड्रोन DJI Mini 4 Pro, बट फाइनली ये चीज़ आ गया है। देखिए ये जो चीज़ है, एक्चुअली इंडिया में लीगली ये चीज़ सेल नहीं होता है, इलीगली लोग बेचते हैं इसको, और इसका जो प्रेजेंट प्राइस जो है इसका, 1,35,000 रुपीज़ इंडियन प्राइस में बेच रहे हैं, और ये जो मुझे मिला है 93,000 रुपीज़, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4,100 दिरहम, लेकिन मुझे थोड़ा और कंसेशन मिल गया, जिसने मुझे लाया थोड़ा सा 3,000 रुपये और कंसेशन करके 90 में मुझे मिल गया ये चीज़, तो 90,000 पड़ा इस चीज़ का मुझे। और वैसे इसके साथ बिल वगैरह भी मिला है और 1 ईयर का वारंटी है, बट वही है कि वारंटी वगैरह क्लेम करना है तो फिर दुबई जाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी किसी के हाथ से बजा भी सकते हैं कुछ भी हुआ तो वैसे कुछ होता है नहीं, बट फिर भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बता नहीं सकते। तो ये हमने ख़रीदा है नागपुर, हमारे मीडिया के लिए हमने ये चीज़ ख़रीदा हुआ है ये चीज़, तो फाइनली ये ड्रोन यहाँ आ चुका है, एंड देन मैं इसको थोड़ा चालू करके भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे, हल्का सा एक शॉट भी दिखाता हूँ उड़ा के मैं इसको। तो इसके साथ में और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसके साथ में आते हैं तो इसमें जैसे कि USB केबल भी है, जैसे कि देख सकते हैं ये है C-Type to C-Type, यस ये है C-Type to C-Type का, और ये है C-Type to नॉर्मल USB वाला, तो इससे जो है ये इससे चार्जिंग करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, और बेटर रहेगा कि ये चीज़ रख के इसी से चार्जिंग करें, क्योंकि और अडाप्टर अगर आप जो यूज़ करते हो फास्ट चार्जिंग वाला, अगर आप 45 वॉट का चार्ज यूज़ करते हो तो बेटर है, क्योंकि उससे जल्दी चार्ज होता है, और नॉर्मल चार्जर से करोगे तो बहुत लेट चार्ज होगा, तो जितना जल्दी चाहिए 45 वॉट यूज़ करिए, और उससे जो मैं यूज़ करता हूँ सैमसंग का यूज़ करता हूँ 45 वॉट का, तो उससे जल्दी चार्ज हो जाता है ये चीज़। तो ये है इसका USB केबल से, और इसके साथ भी प्रॉपलर्स भी आते हैं कुछ ऐसे जो फैंस है उसके, तो वो भी इसके साथ में एक्स्ट्रा फैंस भी दिए रहते हैं इसके अंदर में, बैक के अंदर में, तो वो सब तो उतना अभी देखना नहीं है हमको, तो पहले ड्रोन का थोड़ा सा स्टार्टिंग थोड़ा सा उड़ा के देखते हैं। तो पहले तो
ये है अपना ड्रोन एंड दिस इज़ द आरसी। तो अपने को मेन चीज़ है, यही चीज़ है अपना, दो चीज़ मेन। तो थोड़ा सा बाहर जाके हम थोड़ा ट्राई करके देखते उड़ाने की एक बार। तो इस तरह से मैं आ गया हूँ टेरेस पे और अभी ये ड्रोन, लेट्स ट्राई, अब उड़ा के देखते हैं। अब लिए है तो उड़ाना भी तो पड़ेगा ना, तो लेट्स ट्राई करके देखते हैं भाई, 90,000 का चीज़ है। तो अभी हम इसको उड़ाने के लिए सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है और जितने भी इसमें अपडेट्स वगैरह चाहिए था वो भी मैंने कर दिया, सेटअप पूरा करके रखा है। तो अभी हम इसको पहले चालू करते हैं। तो चालू करने के लिए इसको एक बार प्रेस करना है यहाँ पे, एंड देन अगेन प्रेस करके रखो तो ये आरसी रिमोट चालू हो जाता है। देन सेम थिंग ड्रोन का भी, एक बार यहाँ प्रेस करो एंड देन लॉन्ग प्रेस कर दो, ड्रोन भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एंड देन थोड़ा देर वेट कीजिए, पूरा स्क्रीन में अभी आ जाएगा। और ये जो चीज़ है इसका जो रिमोट कंट्रोल, ये जो चीज़ यहाँ से निकलता है, ये पीछे लगा रहता है इसके आरसी के रिमोट के, बस इसको निकाल के यहाँ पे ये चीज़ लगाना पड़ता है। तो ये आपका बन जाता है रिमोट कंट्रोल। एंड देन ऑलमोस्ट अभी सब कुछ सेटअप हो चुका है, अभी मैं थोड़ा सा इसी में ही ट्राई करता हूँ, थोड़ा इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लूँगा, अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल देता हूँ मैं ताकि वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले ले। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए दो तरीके हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली अपन ऐसे भी ले लिए और वहाँ पे आप ड्रोन देखिएगा, अभी यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये हो चुके हैं, अभी टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुका है। हम इसको मैं थोड़ा टेक ऑफ करता हूँ और इस तरह से, तो अभी हम इसको थोड़ा ऊपर उड़ाते हैं एंड लेट्स टेक द शॉट ऑफ मार्टिन नगर। और वो गया ऊपर इसका जो, और ये जो जा रहा है वहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रोन का, ये जो चीज़ है अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखिए पूरा मार्टिन नगर व्यू आपको यहाँ से दिख रहा है। काफ़ी दोपहर का समय है यहाँ पे और इसमें मैं इसमें अभी तक 120 मीटर ऊपर मैं इसको अभी लेके जा रहा हूँ। वैसे तो ये 120 मीटर के ऊपर इंडिया के रूल के हिसाब से ये तो अभी अलाउ नहीं है 120 के ऊपर, बट लेकिन इसको क्रैक कर सकते हैं, ये जा सकता है 500 मीटर तक। तो 120 पे अपन अभी उड़ाते हैं, जो अभी रूल अलाउ नहीं है तो हम उसको अभी क्रैक नहीं करते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे मार्टिन नगर का ये व्यू, आप यहाँ पे भी कैमरा पे भी देख सकते हैं जो यहाँ पे एंड गाड़ी वगैरह जा रही है, आप देखिए इसको अभी। और इसका जो दूर है डिस्टेंस, अगर कितने दूर तक अपने को ले कर जाना है ये चीज़, कम से कम ये 15 किलोमीटर तक, उसके ऊपर तक जा सकता है, लेकिन उसका जो बैटरी है 45 मिनट्स तक का कैपेसिटी है, तो उसके कारण हम उतना दूर तो जाएंगे नहीं, बट फिर भी हम कुछ दूर तक जाके देखते हैं इसमें। एंड देन लेट्स सी, कुछ आप शॉट देखिए, ये हमारा मार्टिन नगर का आप कुछ व्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रोन हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो हमारा पहला ट्राई था वैसे, तो अभी मैं यहाँ पर इसको वापस लैंड करा देता हूँ, मैं रिटर्न टू होम, और वो रिटर्न टू होम हो रहा है। तो अभी अपने आप, अब देखिए ऊपर, देखिए यहाँ पे दिखाइए, ये ऊपर में देख सकते हैं, मैंने सिर्फ रिटर्न टू होम बटन दबा दिया और वो अपने आप ड्रोन अपने जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे वो अपने आप वहीं पे लैंड हो रहा है, अपने आप वो जगह पे आ जाएगा, वो खुद सेंसर डिटेक्ट करके अपने आप वो वहाँ पे आके ये लैंड कर रहा है। तो ये है हमारा DJI मिनी 4 प्रो और इस तरह से ऑटोमेटिकली लैंड कर रहा है। अगर इसको हमको शॉट, अगर हमको हाथ में भी पकड़ना है, पकड़ के भी हम उतार सकते हैं, उसका भी एक ट्रिक है। और इस तरह से ये ड्रोन लैंड हो चुका है। तो ये था हमारा प्रो, DJI मिनी 4 प्रो। अगर एक और मैं ट्रिक दिखाता हूँ कि इसको हमको कैसे हम इसको लैंड करा सकते हैं। अभी आप देखिए इसको मैं जस्ट अभी मैं थोड़ा सा उसको टेक ऑफ करता हूँ। तो अभी सपोज़ ये ड्रोन यहाँ पे है, अभी हमको उसको चाहे तो कैंसिल लैंडिंग भी कर सकते हैं एंड देन इसको हाथ में पकड़ भी सकते हैं एंड देन दिस इज, यहाँ पे ये हो गया है ऑफ। तो बहुत ही सिंपल सा ये है ड्रोन। तो काफ़ी सारे इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, इसी कारण साइड में कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी रहा तो ये टकराएगा नहीं। तो थोड़ा सा ये थोड़ा प्रो फीचर है इसके अंदर में, जो DJI मिनी 3 प्रो में था उससे थोड़ा सा और एडवांस मॉडल है ये। तो ये था हमारा DJI मिनी 4 प्रो का छोटा सा मैंने एक रिव्यू बनाया है, बट बहुत ही प्यारा ड्रोन है ये। अभी हम इसमें और भी काफ़ी सारे शॉट्स निकालेंगे। तो इसमें एक्चुअली दो है, एक अपना पोर्ट्रेट मोड पे भी ले सकते हैं, लैंडस्केप मोड पे भी ले सकते हैं, ये जो कैमरा है जैसे ये वर्टिकल मोड पे आ सकता है ये चीज़। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, तो ये इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड प्लस जो भी शॉट्स लेना है, तो इसमें दोनों ऑप्शन है, कैमरा टर्न कर सकते हैं इसके अंदर में वर्टिकल मोड पे। तो इन्हीं में फाइनली अपने पास ये ड्रोन आ चुका है, अभी हम काफ़ी सारे शॉट्स निकालेंगे इसमें।
तो थैंक्स टू रायना जिसने ऑल द वे फ्रॉम दुबई ये चीज़ को यहाँ पे लेके आए एंड फाइनली हैंड ओवर कर दिया है मुझे ये चीज़ को। तो अभी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें, कुछ कुछ नए नए शॉर्ट्स सीखेंगे। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, फिर मिलते हैं, बाय।